ध्वज की रस्सियों को खींचते हुए मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, विनम्रता के साथ देश के सभी किसानों और जो आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए भारत सरकार के दरवाजे खुले हैं, पहल लगातार हो रही है। आज की इस अवसर पर मैं आंदोलनकारी किसानों को पुनः अपील करूंगा कि वे अपने हितों के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का सोच के जिद छोड़ के समाधान की तरफ बढ़े। भारत सरकार उनके लिए सदैव तैयार। आज उसका अमानवीय चेहरा कठिन समय में पड़ोसी एक दूसरे की मदद करता है और कठिन समय में उस पड़ोसी ने हमें परेशानियों में भारत के उत्तरी हिमालय सीमाओं पर कठिनाई में डालने का काम किया, लेकिन उसको भी समझ में आ गया कि आज 1962 का भारत नहीं है, यह 2020-21 का भारत है, यह नरेंद्र मोदी के जमाने का भारत है। और हम सबका सौभाग्य है कि रक्षा की अगुवाई करने वाले इसी धरती के लाल राजनाथ सिंह भी उसमें अहम भूमिका में है। इस मजबूत भारत ने उस चीन को भी अपने उससे जो कि कठिन काल में बहुत ही अपने जो गलतियां उसे भगवान से शुरू की थी उसे ध्यान बताने के लिए और स्वयं उसकी विस्तार वाली नीति उसके चलते उसने देश को परेशानी में डालने का कोशिश किया, लेकिन वो खुद परेशान हुआ।
और दुनिया के सामने आज भारत फिर से मजबूत और बहुत सक्षम सशक्त राष्ट्रों के उभरा कि जीत को जवाब देने की हैसियत में भारत है। यह अभी बात कर रहे गणतंत्र दिवस पर आगे आगे भारत की शानदार यात्रा खड़ी हुई होता है। चाइना बॉर्डर पर जिस तरह से हरकत कर रहा है उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं और किस तरह से जवाब देने की तैयारी भारत सरकार की और भारतीय सेना की चल रही है? इस विषय पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ढंग से अपने शब्दों में, रक्षा मंत्री जी ने और हमारे जो है सेनाओं के सर्वोच्च प्रमुख ने, सेनाध्यक्ष ने अनेक अवसरों पर पूरी मजबूती से, दृढ़ता से अपनी तैयारियों का खुलासा उल्लेख किया है। वही चीन के लिए पर्याप्त संदेश है।